The next day. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बज चुके हैं और हम अब जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं ये जाने के लिए जहाँ पे हम लोगों को जाना है। अभी हम लोगों को आज पूरे दिन आज चलना रहेगा तब हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और अभी तो यहाँ पे एक नदी पड़ी है जहाँ पे हम लोग नहा रहे थे सुबह, आप लोगों को हमने दिखाया था, उसको क्रॉस किया और यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे देखिए ये सब लोग क्रॉस हो रहे हैं पानी में, बहुत से लोग यहाँ पे रुके थे क्रॉस हो रहे हैं, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो फिर हम भी चलते हैं उस तरफ, उसके बाद उधर का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग का। नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम और लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा। हाँ गुड मॉर्निंग बोलियो। गुड मॉर्निंग भाई लोग। और इधर देखिए थोड़ा क्लाउड भी है और सब लोग जा रहे हैं। हम नीचे अभी बादल नीचे हैं इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है और ठंडा भी है यहाँ पे। देखिए कितना पब्लिक आगे निकल चुकी है और सब लोग जयकारे लगा रहे हैं भोले बाबा की और निकल रहे हैं आगे, देख सकते हैं। और कुछ लोग अभी पीछे हैं, खड़े हो गए हैं, कुछ लोग थक गए हैं और कुछ लोग किसी और का वेट कर रहे हैं। और सतीश भाई हाउ फील आर यू दिस मॉर्निंग? वेरी बैड। वेरी बैड? हाँ कैसा एक्सपीरियंस है? वेरी बैड। ऐसा लगता है हम रोज आते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहे हैं। रोज आते हैं, ये आपका थकावट बोल रहा है आप बोल रहे हैं? ये फिर से एक छोटा सा पुल जो कि नेपाल में नदियों को क्रॉसिंग करने के लिए बना हुआ है और यहाँ से बड़ा अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। देखिए पेड़ों के बीच में नीचे नदी, उसके बाद जस्ट बगल से ही सब कुछ, फिर आप लोग देख सकते हैं साइड में और वहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, कुछ लोग ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे ऐसा ऐसा रास्ता है कि लोग भटक जा रहे हैं और फिर से रिटर्न आना पड़ रहा है या तो फिर किसी से इन्फॉर्मेशन लेके फिर आगे बढ़ाया जा रहा है कदम। तो आप लोग चलते हैं आगे। अब तो लगता है मुझे सही मार्ग मिल चुका है क्योंकि लोग शॉर्ट कट आए थे, बट अभी जो है शायद रोड बना हुआ है, इससे अब सीधे जाना है। दूसरे दिन का सुबह का सफर स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा पहाड़ों के बीच में धूप थे लेकिन अभी बादल बादल नजर आ रहे हैं और आज की सुबह तो बड़ी हार्ड कट रही है क्योंकि अभी एक घंटे भी नहीं हुए हैं लोगों के और लोग थकावट महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग भागे जा रहे हैं, कुछ लोग थकावट महसूस कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? हालत पस्त हो गया है नहाने के बाद। ये हालत है सुबह की, नहाने के बाद फिर से नहाया हुआ एकदम लग रहे हैं और कुछ लोग देखो ऊपर भागे जा रहे हैं। यहाँ हम लोग आ रहे हैं भाई। हाय गाइज, मजा लेते हैं हमारे पूरा फुल्ली मजा। पहाड़ों के बीच थोड़ा सा स्थान मिलने पे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम तक रेस्ट कर लेंगे उसके बाद देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से। हेलो, ये देखिए आप लोगों को पहाड़ी जड़ी बूटी भी मिल रही है जिसको हम तेज पत्ता बोलते हैं, ये मसाला के रूप में यूज किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको ड्राई करके उसके बाद आप लोग जिसको हम लोग गरम मसाला बोलते हैं उसमें हम लोग तेज पत्ता यूज करते हैं ना, वही है पत्ता। एक बार फिर हम लोग दूसरे पहाड़ पे लगभग चोटियों से कुछ नीचे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग ये इधर पहाड़ देख सकते हैं। आप लोग इससे इक्वालिटी है हम लोगों का ये पहाड़, जो कि हम लोग अभी एक दूसरा पहाड़ था जो हम लोग कल दूसरे दिन हम लोग क्रॉस हो गए थे, उसके बाद हम लोगों ने नाइट स्टे किया था। उसके बाद नाइट स्टे के बाद हम लोगों ने फिर से एक पहाड़ की चढ़ाई करना चालू की और अभी उसके लगभग 50% हम लोगों ने चढ़ाई कर लिया है। अब चढ़ाई करने के बाद फिर से
हम लोग इसके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों का मंजिल है दर्शन करने के लिए। आप लोग देख लीजिए चारों तरफ नज़ारा। यहाँ भी वो धूप का पेड़ जो है आप लोगों को वो दिख रहा होगा थोड़ा सा। लगभग इस जंगल में बहुत सी जड़ी बूटियाँ, मसाले और ये पेड़ कुछ अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम आप लोगों को अगर मेरे को पता चल रहा है तो मैं आप लोगों को उनके बारे में अवेयर करा रहा हूँ। फिर से यहाँ पे कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं और फिर रेस्ट करने के बाद चलते हैं। चलते चलते थक गए तो ये बैग से कुछ एप्पल्स थे उनको निकाल के खा रहे हैं। अब थोड़ा एनर्जी ले लेंगे और बैठ लेंगे, उसके बाद आगे की सफर पे चलेंगे। पैदा हुई हैं तब जाके इनका इतिहास ऐसे ऐसे हुआ। वो कैसे चल गई लहन, ठीक वही समय टाइम से पैदा भई लहन। बोले बोले ठीक वही समय से जब पैदा भई लहन तो कुछ समय बीतने के बाद जब बाल अवस्था में आई ना तो लड़कन के संघरी जानवर चरावे आमे तो दांग जिला के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत है जैसे यह पर्वत तो वहाँ पर सब एनर्जी बढ़ाने वाला चीज है। तो गैया चलावत हम लोग पहाड़ का खसकले कूद रहा कहना हटो यहाँ से भगो, पहाड़ खसकने वाला है, दब जाओगे सभी लोग मर जाएंगे, भगो यहाँ से। तो जे तो उनके संघरिया भाग गए थे बच गए, जे नाई भागल थे फंस गए मर गए दब के। अच्छा वह जड़ है उनका थीका पकड़ लिया कुछ और बोले थे। अच्छा सब जाने लगल कि अरे तो कहले हमारे भगले हमारे भाग ये नहीं तो हो फलाना तो नाई भगल मर दबाग मर गए कहाँ। अरे यहाँ यात्रा वह बात किताब बनल बा। अच्छा वहाँ मिला ला एक पढ़िया तो पता चल। ये एक पतला सा रास्ता एकदम साइड से खाई के एकदम साइड से जा रहा है उधर, और आप लोगों को दिखा रहे हैं वो थोड़ा डिस्टेंस में जहाँ की अभी हम लोगों को जाना है। जूम करके हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना पतला सा रास्ता है और वहाँ से लोग आ रहे हैं और हम लोगों को भी उधर ही जाना है उस पहाड़ के ऊपर। उसके बाद वहाँ से ऐसा पतला पतला रास्ता है सकरा। अच्छा ये ताकत के लिए है। हाँ ये ताकत के लिए है। अच्छा ये ताकत के लिए है। और ये देखिए चंदन का छोटा सा टुकड़ा है, पतला रास्ता है, एक लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर एक लोग आएंगे। हाथे हमारे खून कहना छुक छुक गाड़ी करते हुए गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।